सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आज मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए लेके एक और रिएक्शन वीडियो। गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सुल्तान मूवी के गाने बुलिया, जिससे गाया है पपोन दा ने। और गाना तो खैर मैंने सुना है पहले, बट बहुत देर हो गई थी सुने, तो मैंने मेरा मन किया तुम लोगों के साथ सुनूं बैठ के। एंड मुझे रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि पपोन दा के बॉलीवुड सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्ट करूं, तो भैया आ गया रिएक्शन। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो, बिकॉज बहुत सारे गिव अवेज आप लोगों के लिए प्लान्ड है। और अगर आप नया टैलेंट हो, यानी कि आप अपनी वीडियोस बनाते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी वीडियो पर रिएक्ट करूं, ये शेयर करूं उन वीडियोस को, 2 से 3 मिनट की वीडियोस प्लीज़ मेरे को भेजो आप लैंडस्केप मोड में। आई विल ट्राई एंड मेक इट श्योर कि हम यहाँ पे रिएक्ट या शेयर करेंगे उसे, क्योंकि यार मेरा मन है कि नया टैलेंट आगे आना चाहिए। एंड इसके कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है, तो पहले आप मेरे को मैसेज करो तो विल सी टू इट। और कोई मीडिएटर भी नहीं है इसमें, मैं खुद ही हूँ। मेरे इंस्टा के 2 पेज हैं, दोनों में से जिस पर मैसेज कर लेना। वेरी डिफरेंट म्यूजिक है, क्या मूवी थी ना यार ये। तू बात करे ना मुझसे, चाहे आंखों का पैगाम न ले, पर ही मत कहना अरे हो पगले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले। तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, मुझसे तेरी खुदाई, तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सताई, मैं भी नाचू मैं भी नाचू मनाऊं सोने यार को चलूं मैं तेरी राह बुल्ले यार। यहां पे ना ध्यान से नोटिस करना, इस गाने में ना पपोन दा की आवाज में हल्की सी नेजल हस्क है, जो मैंने अभी नोटिस करी है। एंड ऑनेस्टली इतनी प्यारी लग रही है ना वो गाने के साथ, इतना डिफरेंट वोकल टेक्सचर दे रही है गाने को, मतलब मज़ा आ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना उस आवाज़ को सुन के लिटरली। मैं भी ना चोरी जाऊं सोने यार को करूं ना परवा ले अपना इश्क अधूरा, दिल ना इस पे शर्मिंदा है, पूरा होके खत्म हुआ सब, जो है आधा वो ही जिंदा है। ये दोबारा सुनूंगा पार्ट, था वो ही जिंदा। माना अपना इश्क अधूरा, दिल ना इस पे शर्मिंदा है, पूरा होके खत्म हुआ सब, जो है आधा वो ही जिंदा है। इसको ना ध्यान से सुनना, जो नए म्यूजिक कंपोजर्स है ना, उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया इसे, कैसे बनाया, पीछे से ना म्यूजिक की थोड़ा सा ओपेसिटी गिरा दी, मतलब बिल्कुल 1-2 एलिमेंट पीछे चल रहे हैं। एंड जो वोकल्स और लिरिक्स पे इतने पार्ट में फोकस किया गया ना, वो अलग लेवल है। हालांकि इस गाने के जो वोकल्स हैं बहुत ओवर पावरिंग रहे हैं। एंड लेट्स सी। माना अपना इश्क अधूरा, दिल ना इस पे शर्मिंदा है, पूरा होके खत्म हुआ सब, जो है आधा वो ही जिंदा है। हो बैठी रहती है उम्मीदें तेरे घर की तलीजों पे, जिसकी ना परवाज खत्म हो, दिल ये मेरा वही परिंदा है। बख्शे जो प्यार से मुझको, तो हो मेरी रिहाई। यहाँ पे तुम फिर नोटिस करना, जो वॉइस मॉड्यूलेट की है ना इन्होंने, अलग लेवल है, अलग लेवल। यहाँ से पता चलता है हाउ गुड सिंगर पपोन दा इज एक्चुअली। बख्शे तू जो प्यार से मुझको, तो हो मेरी रिहाई, तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सदाई, मैं भी नाचूं मनाऊं
चलूं मैं तेरी राह भुले मैं भी ना चुपरी जाऊं सोने यार को करूं ना परवाह भुले जगह देख के पेट तो अंदर कर लिया कर यार। सीरियसली बड़ा ही मज़ेदार गाना लगा मुझे, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं बहुत देर बाद सुना एंड मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने आप लोगों के लिए गाना दोबारा सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये ना एक्चुअली इन गानों से ना ये सीखने को मिलता है कि जब आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिले ना तो वहाँ पे आपको सही मायने में सही टैलेंट दिखाना होता है। अब जैसे अगर कोई भी मान लो हम सानिध्य की बात कर लेते हैं, अगर सानिध्य इस टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, इज़ गिविंग इज बेस्ट, लेकिन जब ये वाला प्रोजेक्ट चाहेंगे ना, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको फाड़ के निकलना है, तो मतलब यहाँ पे बेस्ट दो। मैंने मतलब इतनी क्लैरिटी ऑफ वॉइस दादा की गानों में सुनी है, लेकिन यहाँ पे वो जो ईज़ आ रही है ना वो अलग लेवल की है। बड़ा मज़ा आ रहा सुन के। मोह के धागे में उन्होंने एफर्ट डाला नहीं है, ये संग इट एफर्टलेसली, यहाँ पे ही इज़ पुट इन द एफर्ट। वो पता लग रहा है जिस लेवल पे वॉइस मॉड्यूलेट हो रही है, जिस द वे ही इज़ टेकन द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द म्यूजिक डायरेक्टर, तो वो चीज़ समझ में आ रही है, दिख रहा है कि कॉम्पोजिशन को पूरा जस्टिफाई किया गया। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाना मत भूलो और अपनी वीडियोस बनाना भेजना मत भूलना। मैं रिएक्ट कर दूंगा, लेट हो जाता है कभी कभी पर हो जाएगा। आज बड़ी इंटरेस्टिंग दो वीडियोस और आएंगी तुम्हारे लिए, तब तक तो शायद आ चुकी होंगी, अब तक ये देख रहा हूँ। फिलहाल के लिए सब्सक्राइब कर दो, बहुत काम कर रहे हैं यार तुम्हारे लिए हम, बहुत ज़्यादा। नीड योर सपोर्ट मैन।